दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मैसेंजर पर किसी भी पर्सन की चैट को आप लोग आर्चीव में कैसे डाल सकते हो। सो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग मैसेंजर के किसी भी चैट को आप लोग आर्काइव सेक्शन में आप लोग कैसे डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत से लोगों की प्रोफाइल दिख रही है जिससे जो मैसेंजर पर आप लोगों के फ्रेंड हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी पर्सन की चैट को आप लोग हाइड कैसे कर सको, तो आप लोगों को मैसेंजर पर आर्चीव का एक ऑप्शन दिया जाता है, एक फीचर दिया जाता है जिससे आप लोग किसी भी पर्सन की चैट को हाइड कर सकते हो। सो सिंपल, आप लोगों को किसी भी पर्सन की चैट को हाइड करने के लिए, सपोज कि हम इस पर्सन की चैट को हाइड करना चाहते हैं तो हमें इस पर्सन की चैट को आर्चीव में डालना पड़ेगा। तो सिंपल, जिस भी पर्सन को आप लोग चाहते हैं हाइड करना उस पर्सन की चैट, तो सिंपल उसकी प्रोफाइल पे आप लोगों को क्लिक करके होल्ड करे रहना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आप लोगों को करना सिंपल, आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आर्चीव का, आप लोगों को सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पर्सन की चैट हाइड हो चुकी है। अब आप लोग इस पर्सन को नहीं देख पाएंगे, अब आप लोग यहाँ उस पर्सन से चैट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग किसी भी पर्सन की चैट को आप लोग मैसेंजर पर सिंपल ऐसे हाइड कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग उसको अनआर्चीव करके आप लोग नॉर्मल इधर पे आप लोगों का मैसेंजर पर आसानी से फिर से आप लोग उस पर्सन से बात कर सकते हो। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी पर्सन की चैट को आप लोगों ने अभी आर्चीव में डाल दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अनआर्चीव करने के लिए, तो आप लोगों को टॉप राइट साइड में एक वीडियो दिख रहे होगी जिससे आप लोग उस वीडियो को देख के किसी भी पर्सन की चैट को आप लोग अनआर्चीव कर सकते हो। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग मैसेंजर पर किसी भी पर्सन की चैट को आप लोग हाइड कैसे कर सकते हो, उसको आर्चीव में कैसे डाल सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।